किसान जो हमारे कंट्री के बैकबोन है, तो सभी किसान भाई को मेरा हैट्स ऑफ। आज मैं एक ऐसे लोगों से मिली जो बहुत सारे प्रॉब्लम से ओवरकम होके जिन्होंने अपनी खेती के साथ एक साइड बिजनेस भी स्टार्ट किया और उसमें उन्हें सक्सेस भी मिला। सो फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस कमाल था गांव का। आज हम जिनसे मिलने वाले हो वो मेरे एरिया से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, जो आपको आगे पता चलेगा वीडियो देखते समय। सो मैं बात कर रही हूँ सतीश रनेर जी की। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं एक गाँव आई हूँ खास एक यूट्यूबर से मिलने के लिए। उनका थोड़ा सा काम देखते हैं, चलो आज हम देखते हैं वो। तो सतीश जी, आप थोड़ा बताइए हमें आपके डॉग्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप लीन इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो मेरा भी एक अलग से यूट्यूब का मॉडर्न फार्मिंग चैनल है। मैडम ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग बनाया है, तो मेरी भी ये तमन्ना थी कि मैडम को मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे डॉग चैनल पर आ जाओ, तो आपके ब्लॉग पे ये सब डॉग बहुत अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करने वाली है। तो यहाँ पे एक 5-6 नस्ल के पूरे डॉग है मेरे पास। ये डॉग हम बाहर से इंडियन केनल क्लब से रजिस्टर्ड किए हुए हैं। तो ये डॉग यहाँ पे हम ब्रीड करते हैं, मतलब 12-13 फीमेल है और 5-6 मेल है हमारे पास। तो यहाँ से इनके पप्पी हम सेल करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में ये पप्पी यहाँ से जाते हैं। सो एक बेसिकली नए जमाने में ये बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रो होता जा रहा है। हर कोई डॉग लवर है लेकिन डॉग ब्रीडर ज़्यादा मिलते नहीं है, इसलिए एक अलग से कुछ बिजनेस करने का सोचा था। इस हिसाब से हमने ये डॉग केनल बनाया। यहाँ पे लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और पग, गोल्डन रिट्रीवर, ये 4-5 नस्ल के डॉग रखे हैं। खास करके हमारे केनल में लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड दो ब्रीड बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अगर आपके चैनल थ्रू अगर किसी को ये इसके पप्पी अगर चाहिए होंगे तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैडम से कांटेक्ट करके, कमेंट करके आप विजिट कर सकते हैं। और दूसरी एक बात कि ये जो ब्लॉग का चैनल है नेहा मैडम का, ये बहुत ही अच्छा चैनल है। सो प्लीज़ आपको हर कोई वीडियो, हर कोई ब्लॉग देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम चलते हैं हमारे गोट फार्मिंग की तरफ। हाँ, तो सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें डॉग के बारे में। खेती तो हर कोई करता है, बट मुझे लगता है एक खेती के लिए एक ज्वाइंट बिजनेस भी दूसरा चाहिए, जैसे कि सतीश सर ने किया है, एक डॉग ब्रीडिंग का हो या गोट फार्मिंग का भी उन्होंने किया है। तो अभी हम गोट फार्मिंग देखते हैं। चलो अभी सर हमें दिखाने वाले हैं उनका गोट फार्म। तो यहाँ पे गोट फार्म का बिजनेस है अपना। एक 40 बकरियां है, उसके साथ में 2 मेल है, 2 बड़े बकरे है। पूरे गावरान या उस्मानाबादी जो महाराष्ट्र में लोकल ब्रीड मिलता है ये सब गोट यहाँ पे है। अभी फिलहाल यहाँ पे गोट जो हमने किया है ये पूरा बंदिश्त गोट फार्म नहीं है। हमारे जो बकरे है बाहर घूमने के लिए जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा खाना जो भी उनको मिलता है चारा, वो खाने के बाद में यहाँ पे बाद में आने के बाद यहाँ पे और थोड़ा सा जो गवानी बनाए हुए यहाँ पे उस हिसाब से उनको खिलाते हैं। तो अभी हम हमारे जो गोट फार्म की गोट है, जो बकरिया है, उन्हें देखने के लिए अपने खेत में चले जाएंगे। वहाँ पे पूरी बकरिया आपको मिलेगी।
एक्चुअली फ्रेंड्स धूप बहुत है यहाँ पे, बट चलो ब्लॉग्स के लिए इतना तो चलता है टैनिंग। सो अभी हम सतीश जी के फार्म में जा रहे हैं उनकी गोट्स देखने के लिए। सो तो फिर चलो, गांव चाहे कौन सा भी हो, गांव में रहने का मजा अलग है, गांव में घूमने का मजा अलग है। सो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं बैंगन की खेती में। सो यहाँ सारे बैंगन प्लांट्स है, ये आप देख सकते हो। चलो अभी, चलो फ्रेंड्स अभी हम जाते हैं चिली प्लांट्स देखने के लिए। आई थिंक आगे नहीं जा सकते हम पानी की वजह से, यहीं से हम देख सकते हैं चिली प्लांट्स। फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख सकते हो हल्दी क्रॉप्स। जनरली इस हल्दी क्रॉप्स की हाइट 60-70 सेंटीमीटर रहती है। अभी आप पीछे देख सकते हो मेरे, यहाँ गोट्स है सतीश जी के जो ग्रेजिंग के लिए आए हैं खेत में। सो दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है गोट फार्मिंग है। मैंने खुद 2.5 साल से ये बिजनेस कर रहा हूँ, अपने डॉग ब्रीडिंग के साथ साथ ये बिजनेस होता है। सो मैडम की बहुत एक उनकी इच्छा थी कि आप ये गोट फार्मिंग का एक वीडियो बनाओ। सो ये एक बकरी दो एक साल में कम से कम 4-5 बच्चे या 3-4 बच्चे देती है। खेती के साथ साथ ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। तो आप अगर इन विलेज लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और आपके खेत ने भी हमें आने का मौका दिया और इसी कारण हमें गांव भी देखने के लिए मिला। सो दोस्तों आप लेने हाँ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आसपास जो महाराष्ट्र में जो अलग अलग स्पॉट है वो मैडम बहुत ही अच्छी तरीके से उनके ब्लॉग बनाती है। सो अगर आपको नए और ब्लॉग देखने हैं तो मैडम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मॉडर्न फार्मिंग मेरा चैनल है वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको बकरी पालन के जो भी अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू।